इंतजार करिए, समूचा विपक्ष 4 बजे का इंतजार करे, ईवीएम की कहानी अपनी तैयार रखिए। लेकिन जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है, लेकिन कई मुख्यमंत्री, मैं आपको बता रहा हूं कहां का मुख्यमंत्री हार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हार रही हैं। अनुराग ढांडा का मैं रुक कर सकता हूं, अनुराग ढांडा हमारे साथ अवेलेबल है। अनुराग, सीधा रिजल्ट हब में आता हूं, कुछ बड़ी खबर बताइए, बड़ी खबर बताइए जनता के लिए, बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, तीन महत्वपूर्ण जानकारी है। साक्षी महाराज 1,30,000 वोट से आगे चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव सिर्फ 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं, मार्जिन को समझिए दोनों जगह। और जयंत चौधरी आगे हो गए हैं, जयंत चौधरी आगे हो गए हैं, कई राउंड की गिनती के बाद अब दोबारा से जयंत चौधरी आगे हो गए हैं, जयंत चौधरी आगे हो गए हैं। अखिलेश यादव का की जो लीड है वो 25,000 की है, साक्षी महाराज की लीड 1,00,000 से ऊपर की है, अमित शाह की लीड लगभग 2,00,000 के करीब है, प्रधानमंत्री की जो लास्ट जानकारी थी 1,00,000 के आसपास की लीड है, राहुल गांधी की जो लास्ट जानकारी है 6,000 की ट्रेल है, पीछे है राहुल गांधी अपनी सीट पे, मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे है, मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा था, दिल्ली में शीला दीक्षित पीछे, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह पीछे, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के बेटे अशोक गहलोत ने पूरी की पूरी ताकत अपनी वैभव गहलोत के लिए लगाई, उनकी साख वहां पर नहीं बची और वैभव गहलोत बुरी तरह से इस समय हार रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने जबरदस्त लड़ाई है। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश की तरफ, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हार रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताने गए थे, लाले अपनी जीतने के पड़ गए हैं, गुना के अंदर स्थिति यह है इस समय। अब गुजरात में 26 में से 26 सीटें अमरेली मुझे लग रही थी बीजेपी के खाते में नहीं आएगी, लेकिन मेरे को बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे अमरेली में भी हम जीत कर आएंगे, और वो सीट बीजेपी की निकलती हुई गुजरात के अंदर, अमित शाह ने फ्रंट से लीड करा था और जबरदस्त विजय भाई रूपाणी वहां के सीएम, जबरदस्त जीत वहां पर मिल रही है। महाराष्ट्र मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे नहीं लग रहा था महाराष्ट्र में यह हाल होगा, यहां पर भी मुख्यमंत्री हार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हार रहे हैं, अशोक चव्हाण हार रहे हैं, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे अपनी सीट पे हार रहे हैं, बारामती की सीट का लास्ट हाल ट्रेल कर रही थी सुप्रिया सूले, लगता है वहां पर कोई अपडेट फिलहाल नहीं आया, अब शायद लीड हो सकती है, बहुत कम मार्जिन से ट्रेल कर रही थी। आंध्रा में आप देख रहे हैं सरकार पलट गई है, तेलंगाना के हालात आपके सामने हैं, गोवा में 1-1 पर बीजेपी और कांग्रेस है, कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब पीछे चल रहे हैं, केरल में बधाई हो आपको जैदी साहब, 1 आ गया आप लोगों के पास, 19 पर UDF है, यानी 0 नहीं है, 1 है, खाता खुल रहा है, यानी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये आपके लिए राहत की बात है। राहत की बात है, मैं तो ये देख रहा हूँ 70 साल के अंदर गांधी, ये TMC कितना मुस्कुरा रही है, इन्होंने बंगाल में आपको खत्म कर दिया, 70 साल में गांधी, आपने इनसे भी बड़ा कर दिया। देखिए बंगाल में एक एनालिसिस ये है कि हिंदू वोट एकमुष्ट होके पड़ा और उसने TMC को टक्कर दी है, और 15-26 कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अपना किला बचा रहे हैं, और मैं इस नेता को बहुत दिलदार और बहुत बड़ा नेता मानता हूं, पूरी सेंट्रल कांग्रेस कमेटी इस नेता के साथ नहीं खड़ी थी, ये नेता अकेला ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाता था और अपनी सीट को कांग्रेस के बूते नहीं अपने बूते अधीर रंजन चौधरी बचा रहा है, ये बड़ी बात है। प्रज्ञा ठाकुर इस समय के जताया है, मैं अब भोपाल की जनता का बहुत बहुत आभार कर रही हूँ, आभार दे रही हूँ उनको, बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम के नारों के साथ, उद्घोष के साथ भारतीय जनता पार्टी की, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक नरेंद्र मोदी फैक्टर चला है, चौकीदार चोर कांग्रेस का सुपर फ्लॉप रहा है।